हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आप देख रहे हैं मैकावर की स्टडी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने मॉर्निंग की वीडियो में बताया था कि आप लोगों का ई लेक्चर स्टार्ट होने वाला, जितने भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक के हैं उसका मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों को बताया था। कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ कन्फ्यूजन थी कि ये न्यूज़ रियल है या नहीं, तो उसका अभी ऑफिशियल नोटिस आ चुका है जो कि कॉलेज पर भेज दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये नोटिस निकाला गया है निदेशक शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश कानपुर के माध्यम से। ये नोटिस सभी प्रधानाचार्य को, राजकीय अनुदानित सभी पॉलिटेक्निक संस्थाओं को निकाला गया है। आप लोग इसका सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, प्रदेश की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र या छात्राओं हेतु ई लेक्चर प्रसारक विषय। ये नोटिस आज के डेट में 24/7/2020 में निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे बताया जा रहा है कि महोदय, अवगत कराना है कि प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने हेतु देश से प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र या छात्राओं हेतु डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहयोग से ई लेक्चर का निर्माण किया गया है। जैसा कि मैंने बताया भी था, यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की सहायता से BTUP यानी कि पॉलिटेक्निक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ई लेक्चर का निर्माण किया गया है। और ई लेक्चर दिनांक 26/7/2020 से दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल नंबर 15 पर स्टार्ट किया जाएगा। तो दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पे आप चैनल नंबर 15 पे जाके देख तो पाएंगे। आप चैनल नंबर 15 पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा इंजीनियरिंग साइंस एंड जनरल सब्जेक्ट फॉर इंजीनियरिंग, ये चैनल पर लिखा रहेगा। और ये जो चैनल है वो स्वयं प्रभा नाम से जाना जाता है। तो इस चैनल पर आप जाएंगे, जो कि आपका लेक्चर स्टार्ट होगा सभी ट्रेडों का। यहाँ पे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा, आप वहाँ पे देख पाएंगे कि इन किस ब्रांच के यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट किए जाएंगे 26 तारीख से। जैसा कि यहाँ बताया भी जा रहा है, संलग्न समय सारणी के अनुसार प्रसारित किया जाएगा। तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अपने समय सारणी को देख करके जा करके वहाँ पर आप लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है स्वयं प्रभा चैनल एक निःशुल्क DTH चैनल है जो कि विभिन्न केबल या DTH ऑपरेटर द्वारा निःशुल्क प्रसारित किया जाता है। तो ये चैनल आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप फ्री में देख पाएंगे अपने घर बैठे। और एक कमेंट भी आया था, अगर मेरे घर पे TV नहीं है तो क्या करें, तो आप बगल के घर में भी जा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ने के लिए तो बहुत कड़े कड़े तपस्या करने पड़ते हैं, तो आप लोग तो अगर आपके घर में नहीं है तो आप बगल के घर में जा कर देख सकते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपकी संस्था में अध्ययनरत छात्र या छात्राओं को उक्त प्रसारण कार्य की सूचना प्रदान करना सुनिश्चित करें, जिससे अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को उक्त प्रसारण कार्य से लाभान्वित किया जा सके। दोस्तों, ये जो नोटिस है ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है, आपके कॉलेज की वेबसाइट पे आया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे प्रधानाचार्य को सूचित करना है जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को, या उन लोगों का लेक्चर जो है स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है छात्राओं द्वारा देखे गए ई लेक्चर्स की साप्ताहिक सूचना इस संस्थान को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। दोस्तों, यहाँ पे जो है जितने भी स्टूडेंट्स को प्रधानाचार्य बताएंगे कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे या लेक्चर आपको आपका देखे हैं, वे सारी यहाँ पे डेटा जो है बोर्ड को भेजना होगा। दोस्तों, आप नीचे यहाँ पे आएंगे तो बताया जा रहा है, ये यहाँ पे आप साइन देख सकते हैं मनोज कुमार निदेशक का है, फिर ये सारी जो चीज़ें हैं वो कॉलेज के लिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप लोगों का पूरा ये लिस्ट जो है, लिस्ट वाइज आपको ब्रांच वाइज यहाँ पे मिल जाएगा, उसका टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं इसका लिंक जो है टाइम टेबल का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर पाएंगे और अपने ई लेक्चर का यहाँ पे उससे उसके माध्यम से पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहले विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नए अपडेट्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।